क्यों आए हो आप पुलिस के पास? परेशान है साहब। क्यों परेशान है? मात पीटे तो वो पुलिस पे रिपोर्ट कर दे। कौन मारता है? रामकिशन। कौन है ये रामकिशन? धाकर। तो क्यों, कल कारण तो होगा, क्यों मारता पीटता है आपको? वही जाना साहब, क्या मात पीटे तो वोट के चक्कर में वोट बाप हमने वोट नहीं दे हाथी पे था। तो अभी जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसी की बात है? हाँ जी। दलित परिवार एसपी ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, परिवार के साथ खाना वगैरह भी बना रहा है। उसकी शिकायत है कि वहाँ जो धमंग है, धाकड़ परिवार है, उनको परेशान कर रहा है, जिस कारण पुलिस उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्या नहीं, ऐसा तो सुनने में नहीं आया, परंतु आवेदक हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रताड़ना की बात कही है, कुछ धाकड़ परिवार के द्वारा कुछ झगड़ा होना बताया है। साथ ही इन्होंने बताया कि पूर्व में इनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, तो उनको झूठा लग रहा है। तो मेरे द्वारा एजे के टीआई को बुला के समझाइश दी गई है और अभी जांच के लिए कहा गया है। जांच के उपरांत जैसे भी कार्रवाई होगी आज ही हम करेंगे। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन मोड से लोग बाहर नहीं आए, मैं अपनी बात वही रिपीट कर रहा हूँ। अभी किसी भी प्रकार के कोई घटनाक्रम होंगे तो संभवतः ध्यान खींचने के लिए भी वह सरकार के मंत्री पर या अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगा सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच नितांत आवश्यक है और जिला प्रशासन ने उसके आदेश दिए हैं। मुझे लगता है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी।